ये हमारा है फैट, इसको कहते हैं फाइबर एक्सेस टर्मिनल बॉक्स। इसके अंदर हमारी लगती है कैसेट, ये कैसेट है, इसको कहते हैं S2। इसमें होते हैं 8 पोर्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक पोर्ट होता है कनेक्ट करने के लिए, जो हमारी केबल आती है 12 की या 48 की, उससे कनेक्ट किया जाता है। और इसमें एक जो जिससे कनेक्ट होता है S2, उसको कहते हैं पिक्टेल, ये होता है पिक्टेल, ये जो 9 पोर्ट में से एक में कनेक्ट किया जाता है, इससे पावर आती है, और फिर इन्हीं पोर्टों में से घरों को कनेक्शन जाते हैं। अब ये यहाँ पर होती है स्प्लाइसिंग, इसकी पीछे जो 12 की केबल आती है वो इसके थ्रू आती है। ये होती है हमारी 12 की फाइबर, इसमें 12 लिखा होगा, 12F आपको दिख रहा होगा, 12F, ये 12 की फाइबर है, और इसमें 6 फाइबर हैं, और इसके अंदर दो दो अलग से फाइबर होते हैं, छः ट्यूब, 12 फाइबर, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, अब ये पकड़ना जरा, इसको दो अलग अलग करके दिखाएंगे आपको, ये करके दिखाओ, ये दो अलग अलग फाइबर है हर एक ट्यूब पे, ठीक है। और ये जैसे इसको छिलने का तरीका अलग होता है, इसके अंदर एक पहली लेयर ये होती है, पहली लेयर आपकी केबल की ये होती है, उसके बाद इसके अंदर वाली लेयर, ये किस चीज़ का बना होता है, रेशम है हार्ड, बिल्कुल, ये जिससे प्रोटेक्ट करती है बिल्कुल। उसके बाद ये कवर किया जाता है ऐसे, और इसके अंदर ये 6 ट्यूब हैं इसके अंदर, उसके बाद एक FRP सपोर्टर होता है, हाँ एक FRP सपोर्टर, इसको सपोर्ट करने का, तो वही गिलास का बना होता है ना, ये गिलास का बना होता है और बहुत ही सख्त होता है। ये अभी इसको छिला जा रहा है, इसके बाद इसकी स्प्लाइसिंग की जाएगी। जैसे अभी फाइबर को छिला जा रहा है, ये इसके अंदर से एक तागा टाइप का भी निकलता है, बिल्कुल एक छिलने का तरीका है, नॉर्मली एक कटर आता है इसको केबल को छील सकते हो, धागा हाँ, होता है। बस इसको काटने का तरीका होता है, हर किसी के बस की नहीं है ये काटना, ना बिल्कुल परफेक्ट बंदा होना चाहिए इसको काटने के लिए। और अभी इसको छिल दिया है फाइबर को, उसे ट्यूब भी डैमेज हो सकती है अगर कोई अनजान आदमी करेगा। और क्या जानते हैं फाइबर के बारे में बताइए। फिजिकल बनाने के लिए सर पहले हम मुंडी पे स्टार्ट करेंगे, नाइफ की जरूरत पड़ती है, नाइफ से काटेंगे। एक कटर भी तो अवेलेबल होता है ना मार्केट में, सर होता है एजल कटिंग के लिए अवेलेबल तो होता है, लेकिन अक्सर नाइफ से काम हो जाता है, नाइफ से काम हो जाता है जी सर। और एक्जल कट करना है तो, या विंडो कट करना है तो एक कटर आता है, कटर आता है, चाहे आप कटर से भी अगर परफेक्ट बंदा है तो नाइफ से भी काम कर सकता है। हाँ ये फाइबर के अंदर का है, कभी भी काम करते टाइम केयरफुली काम करना चाहिए बिल्कुल। अब इसके अंदर का फाइबर चला जा रहा है, इसको भी बड़े ध्यान से कट करना पड़ता है, जिससे फाइबर डैमेज ना हो, इसकी ट्यूब डैमेज ना हो, ट्यूब डैमेज हो गई तो दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ट्यूब डैमेज हो गई, केबल छोटी है तो आपको केबल भी डलवाना पड़ सकता है जी। ये है इसको क्या कहते हैं, इसको FRP, तो बहुत ही हार्ड होती है, तो नॉर्मली हाथों से हम नहीं तोड़ सकते, कटर यूज करना पड़ता है ना, आप इसको हाथ से तोड़ सकते हैं ना काट सकते हैं नाइफ से, एक सपोर्टिंग का काम भी करते हैं, ये बिल्कुल गिलास का बना हुआ होता है, बिल्कुल बहुत ही सख्त और हार्ड होता है, ये सपोर्ट भी काम प्रोवाइड करता है एक केबल को। अब टर्मिनेशन देख लीजिए, टर्मिनेशन कैसे होता है केबल का, या स्प्लाइसिंग कैसे होती है। ये पहले केबल की एंट्री कर ली बॉक्स के अंदर, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम, कुछ इसको फिक्स करने के लिए होते हैं, इसको इसकी पकड़ बनाई रहता है, इसको टाइट कर लिया, इससे केबल अगर खिंच भी जा रही है तो, अगर कभी कभी खिंच जाती है बाहर से तो अंदर के फाइबर डैमेज ना हो। तो हम आपको बता दें कलर कोडिंग इसकी, बताइए इसको कलर कोडिंग बता दीजिए। ब्लू
पहला पहला बताया ब्लू, फिर उसके बाद ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन, ब्राउन, ब्राउन, स्लेटी, ये स्लेटी, ये आपको पांच नंबर ब्राउन कलर का, हल्का हल्का ब्राउन से भी थोड़ा हल्का वाइट टाइप का मिलेगा, उसके बाद वाइट वाइट। ये इसमें हर किसी में दो दो फाइबर होंगे, ये 12 फाइबर के लिए है, 6 ट्यूब का। इसमें 6 ट्यूब है और 12 फाइबर है, अगर 48 का होता तो 8 ट्यूब। जैसे आपको दिख रहा होगा हमने दूसरे एंड से भी फाइबर की एंट्री कर ली है, और अब फाइबर को कट करके उसको साफ किया जा रहा है, आईपी के द्वारा साफ किया जाता है, और एक कटर से उसका सही तरीके से काटा जाता है उसका, इससे वो प्रॉपर तरीके से कट जाए। ये हमारी स्प्लाइसिंग मशीन है फिजिकुरा की, मशीन का नाम है फिजिकुरा 62C, और साथ में पावर मीटर रखा हुआ है। अब इसी ऐसे ही दूसरे एंड से भी हम फाइबर को कट करेंगे और स्प्लाइसिंग मशीन में रख लेंगे, और इस तरीके से स्प्लाइस करके चेक कर लेंगे कि पावर आ रही है कि नहीं। ये इसमें दिखा देता है कि कौन सा फाइबर गलत तरीके से कटा हुआ है या जुड़ा हुआ है, तो हमें अगर जोड़ गलत तरीके से जुड़ा हुआ है वो तो हमें दोबारा कट करके सही तरीके से वो जोड़ना पड़ेगा।